हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आज मैं गांव जा रही हूँ और अब आपको मेरे व्लॉग में सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे और मैं अपने गांव का एक एक व्यू आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और मेरे साथ पापा जा रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं और मैं आपको अब थोड़ी देर में मिलती हूँ। हम अभी बैग पैक कर रहे हैं थोड़ा सा। चलिए फिर गाइस, हम जब निकलेंगे फिर हम आपको मिलेंगे। पापा रेडी हो चुके हैं और हमारे बैग भी रेडी हो चुके हैं। अब बस हम निकलने वाले हैं, बस 5 मिनट और फिर हम अपने गांव जाएंगे। पापा भी जूते पहन रहे हैं, चलिए जब तक मैं भी जूते पहन लेती हूँ। सो हे गाइस, हम तैयार हो चुके हैं फाइनली, हम अब निकल रहे हैं गांव जाने के लिए। बाय। मम्मी नहीं आ रही हमारे साथ, बाय। ठीक है, बाय बाय। सो हम अभी घर से निकल चुके हैं और हम पहले मेट्रो से बस अड्डे तक जाएंगे, फिर वहाँ से मैं आपको बाद में बताऊंगी। मेरा एंड तक व्लॉग देखिए और लास्ट में मेरे व्लॉग में आपको पहाड़ देखने के लिए भी मिलेंगे, बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा। चलिए फिर आप लास्ट तक बने रहे। गाइस, हम रिठाला मेट्रो स्टेशन में पहुंच चुके हैं, यहाँ से हम मेट्रो में जाएंगे आनंद विहार तक ना पापा, हम आनंद विहार तक जाएंगे, फिर वहाँ से हम बस में जाएंगे, वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊँगी। हमारे पहुँचने के साथ ही हमारी मेट्रो भी आ चुकी है। सो गाइस, हम आनंद विहार पहुँच चुके हैं, अब हम यहाँ से बस में जाएंगे। बस हमारा मेट्रो का सफ़र यहीं तक था, अब हमें अपने गांव के लिए बस पकड़नी है और हम रामनगर तक जाएंगे बस में। उसके बाद हम दोबारा एक और बस चेंज करेंगे। चलिए फिर अब हम पहले मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हैं, फिर हम बस में, फिर हम बस अड्डा से बस पकड़ेंगे। चलिए अभी हम यहाँ पे बैग एडजस्ट कर रहे हैं। हे गाइस, हमने अपने सामान भी अब एडजस्ट कर दिए हैं और हमें बस भी मिल गई, हमें सीट भी मिल गई, बट हमें आगे की नहीं मिली, पीछे की मिली है, एकदम पीछे की भी नहीं मिली है, बीच में मिली है, सही है। और पापा बैठे हुए हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत सालों बाद मैं गांव जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे तो। ये बस अभी निकलने वाली है। हमारी बस चलने लग गई, बहुत मज़ा आ रहा है। और आपको कैसे लग रहा है? गांव जाके मज़े करेंगे, हमारा ड्राइवर अभी अभी बैठा है गाड़ी में। हमने जो कमरा रेंट पे लिया था हम उसमें आ चुके हैं, खाना वाना खा के, और अब हम यहाँ से कली जाएंगे। जिस बस में हमें सुबह गांव जाना है थैलीसैंड, वो बस हमारी लग चुकी है, यही है वो बस। यहाँ पे पौड़ी थैलीसैंड बैचलर लिखा हुआ है और ये हमारी बस का नंबर। अभी हम खाना खाने आए हैं रात का,
और फिर हमारी 2 या फिर 3 बजे की बस है। हम वहाँ पे उस बस से पौड़ी बाबा कहते हैं थली सेंट तक जाएंगे, और फिर उससे आगे हमें दोबारा टैक्सी करनी है। शायद 12 बजे तक हम अपने घर में पहुँच जाएंगे। मैं आज आपको पहाड़ ज़रूर दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में। सो गाइस, ये वाला कमरा हमने एक दिन के लिए लिया था, बस एक रात के लिए। आज हम चेकआउट कर रहे हैं वाला कमरा। चलिए हम फटाफट चलते हैं। हमारी रामनगर से गाड़ी चल चुकी है। बोरा बुआ का घर तो आगे को बता कहाँ। इनके घर के लिए अरे तिल हमने टटकारल मारे ली रे 1 घंटे हो गए नाम दे हम। अच्छा चाओ जो फोन बंडल में वो गलत है वो फ्रोन है। सो गाइस, अभी हम भंडेली पुल में आ चुके हैं और मेरे साथ दादा और पापा हैं। हमें यहाँ से जसपुर जाना है। अभी हमने एक जसपुर की कार मंगा रखी है, हम उसमें जाएंगे। और मेरे सामने एकदम नदी बह रही है, उसकी आपको हल्की हल्की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। मैं आपको नदी दिखाती हूँ।
गाइस मैं अपने घर में पहुंच चुकी हूँ। हमें पहली बार दिल्ली से अपने गांव वाले घर में आने के लिए 3 दिन लगे पूरे। सो हे गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।